पृथ्वी के बाद चांद पर भी पड़ोसी बने भारत चीन। चीन के रोवर के नजदीक पहुंचा भारत का प्रज्ञान, कौन पड़ेगा भारी। पहले जिनपिंग से मिले मोदी, अब यू-22 से मिलेगा प्रज्ञान। कितनी बची है दूरी, कब होगी मुलाकात, जानिए पूरी डिटेल। हम 7 दिन में ढूंढ लाए जितनी चीजें, 4 साल में चीन वाला रोवर नहीं लगा पाया पता, चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया क्या। भारत और चीन अच्छे पड़ोसी नहीं है, ये बात पृथ्वी को अच्छी तरह पता है, लेकिन क्या चांद पर भी ये रिश्ता ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि चीन के रोवर यू-22 से भारत के रोवर प्रज्ञान की मुलाकात होने वाली है। दोनों के बीच की दूरी उतनी है जितना आप दिल्ली से लद्दाख बॉर्डर जाएंगे और लद्दाख से वापस दिल्ली आएंगे, यानी दिल्ली लद्दाख की दोगुनी दूरी पर दोनों देशों के रोवर खड़े हैं। एक के पास भारत का तिरंगा है, दूसरे के पास चीन का झंडा है। तो सवाल है कि दोनों अगर मिलेंगे तो क्या होगा, अगर टक्कर हुई तो क्या चीन वाला मिशन क्रैश कर जाएगा, क्या चांद पर भी भारत चीन की लड़ाई होगी। तो इसका जवाब समझने के लिए आपको चीन के मिशन और फिर दोनों रोवर की स्पीड समझनी होगी। चंद्रयान 2 का मलबा खोजने वाले शनमुगा सुब्रमण्यम ने इससे लेकर बड़ी जानकारी दी है। ये चीन का रोवर यू-22 है, इसे साल 2019 में चांग ई मिशन के तहत चीन ने भेजा था। ये 1 सेकंड में करीब 3 मीटर तक चलता है। अब भारत का रोवर प्रज्ञान देखिए, इसे चंद्रयान 3 के साथ 23 अगस्त 2023 को इसरो ने भेजा। ये 1 सेकंड में करीब 10 सेंटीमीटर चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रज्ञान 7 दिनों तक चांद पर लगातार भी चलेगा तो 108 मीटर चल पाएगा, यानी 1 किलोमीटर। जबकि चीन वाला यू-22 अगर अपनी स्पीड से 7 दिन तक लगातार चला तो करीब 31 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। दोनों के बीच की दूरी करीब 1891 किलोमीटर है, यानी ये चांद पर मिल नहीं पाएंगे, पर ये जरूर रहेगा कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी बने रहेंगे। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जैसे भारत चांद को मामा कहता है, ठीक उसके उलट चीन में चांद को देवी माना जाता है। चीन के लोग ये मानते हैं कि चांद देवी के पास एक खरगोश भी है जिसका नाम यू-22 था। इसीलिए चीन ने जब चांद के दक्षिणी सतह पर अपना मिशन भेजा तो इसका नाम यू-22 रखा। अब साल 2026 में चीन अपना नया मिशन चांद पर भेजने वाला है, पर सवाल है कि जो चांद अरबों डॉलर खर्च करके मिशन भेज रहा है वो कोई जानकारी जुटा पाता है, या फिर जैसे हिंदुस्तान चीन के सामान पर भरोसा नहीं कर पाता, चांद पर भी वही हाल होता है। तो इसका जवाब समझने के लिए आप यू-22 का ही उदाहरण लीजिए। हमारा विज्ञान 7 दिनों में जितनी चीजें ढूंढ लाया उतनी चीजें 4 साल में चीन का यू-22 नहीं ढूंढ पाया। पर एक बात अच्छी ये है कि चीन का ये मिशन 4 साल से वहां पर जिंदा है, क्योंकि चीन के वैज्ञानिकों ने इसे ऐसा डिजाइन किया है कि जैसे ही चांद की सतह पर 14 दिनों के बाद अंधेरा होता है ये खुद ब खुद स्लीप मोड में चला जाता है। इसमें ऐसी उन्नत तकनीक लगी है कि अंधेरा छटते ही ये दोबारा उठकर काम करने लगता है, लेकिन भारत के प्रज्ञान में ये तकनीकी शायद नहीं लगी हुई है। इसीलिए वैज्ञानिक बार बार ये आशंका जता रहे हैं कि 14 दिन के बाद शायद ही प्रज्ञान काम कर पाए, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि मिशन लंबा नहीं बल्कि मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए। जो काम सालों से हजारों करोड़ का बजट खर्च करके दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। तो इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भारत के विरोधी अब भारत के मिशन की तारीफ कर रहे हैं और वहां की रिसर्च से पूरी दुनिया फायदा लेने की उम्मीद में बैठी है। अब भारत का प्रज्ञान भले ही चीन के रोवर से ना मिले, पर चीन के वैज्ञानिकों को भी इससे खास मदद जरूर मिलेगी, जो चांद पर इंसानी बस्ती बसाने में बेहद मददगार साबित होगा। और देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या भारत ही वहां पर अपना झंडा पहले बुलंद करता है या चीन कोई नई चाल चल देगा।